नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति और शाम के बज चुके हैं 6। और जैसे जैसे चुनाव के नतीजे सामने आने लगे हैं, वैसे वैसे इस पूरी स्थिति जो है अब क्लियर हो रही है, यानी कि हरियाणा और महाराष्ट्र में अब किसकी सरकार बनेगी, यह रुख धीरे धीरे साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें हरियाणा की तो वहाँ 90 सीटों में अभी हाल ही में अभी चल रहे 40 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है, तो कांग्रेस 30 सीटों पर आगे अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जेजेपी 10 सीटों पर और अन्य के खाते में 10। दूसरी तरफ रुख करें महाराष्ट्र का, 288 सीटों में से बीजेपी 155 सीटों पर बढ़त बनाए हुई है, कांग्रेस 109 सीटों पर, माफ कीजिएगा, कांग्रेस प्लस एनसीपी और बीजेपी प्लस शिवसेना 155 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस प्लस एनसीपी 109 सीटों पर, अन्य के खाते में 24 सीटें आती हुई नजर आ रही है। इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें जनता का जो आशीर्वाद मिला है उसका पूरा सम्मान करते हैं और आने वाले 5 वर्षों में यह सरकार, यानी कि अपनी जो मेजोरिटी के साथ में जो मिली हुई सीटें बता रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, उसको सरकार के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले 5 वर्षों में एक अच्छी सरकार महाराष्ट्र के लिए काम करेगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें हम आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर हो रही है कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी हां, जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला जो है वो बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि सूत्रों से खबर आ रही थी कि बीजेपी जेजेपी को जो है जेजेपी से समर्थन नहीं लेगी, लेकिन इसी बीच अभी खबर आ रही है कि हरियाणा में जेजेपी जो है वो बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हो चुकी है। दुष्यंत चौटाला का रुख जो है वो धीरे धीरे इस ओर बीजेपी के तरफ झुकाव जो है एक तरह से नजर आ रहा है। आइए वहीं बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो है वो शिवसेना ने कहा है कि छोटा भाई और बड़ा भाई वाला जो मामला है अब नहीं चलेगा, अब आपको जो है इक्वलिटी बतानी पड़ेगी और 50-50 का जो मार्जिन तय हुआ था, यानी 50% भाजपा को और 50% शिवसेना को, उसी के आधार पर आने वाले समय में जो है वो सरकार चलाएंगे, ये कहना है उद्धव ठाकरे का। अभी हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद ये तय हुआ है कि 50-50 पर ही सरकार चलेगी और उन्होंने साफ कहा कि अमित भाई आकर देख ले, अमित भाई आकर फैसला कर ले और आमने सामने बैठकर जो है वो पूरा फैसला तय कर लिया जाएगा। और अब थोड़ी देर में हमारे साथ जो है लोकनीति के एडिटर आदित्य सिंह भी जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार की सीटों को लेकर जो है अभी क्या चल रहा है, वहां पर विधानसभा व लोकसभा के उपचुनाव का हालिया नतीजा बताएंगे आदित्य सिंह आपको। तो हमारे साथ लोकनीति के एडिटर आदित्य सिंह सर जुड़ चुके हैं और आपसे जानना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में जो उपचुनाव की सीटों का क्या रुझान आ रहा है सर। बिहार का तो अभी वो कर रहा है, चेक कर रहा है सर जो विशाल, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्टडी जो अभी हम लोगों ने निकाली वो 11 सीटों पे वहाँ उपचुनाव हो रहे हैं जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक करीब 11 सीटें ऐसी हैं अलग अलग जिलों में जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। जो स्थिति है वो मैं आपको बता दूं, करीब 11 में से 8 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अच्छे लीड में है, लेकिन एक सीट है वो है घोसी की, जहाँ पर बीजेपी आगे तो चल रही है लेकिन इसी सीट पर एक इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व जिसका नाम सुधाकर सिंह है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, ग्राउंड पे बहुत जुड़े रहते हैं, नेता भी हैं वो, सुधाकर सिंह बाकायदा टक्कर दे रहे हैं, देखते हैं वो रुझान है लेकिन रिजल्ट क्या आता है वो तो देखने वाली बात होगी। घोसी में थोड़ा वो है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का पार्ट है अपना दल, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, प्रतापगढ़ से वो आती हैं, प्रतापगढ़ से वो लड़ रही हैं और प्रतापगढ़ से वो लीड कर रही हैं, उनका जो कैंडिडेट है वो लीड कर रहे हैं करीब 50,000 वोट से ज़्यादा से। और उसके बाद जो है यहाँ से कीरत सिंह
जो है लीड कर रहे हैं गुहांग से, ये कीरत सिंह भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। इग्लिस भाजपा, इग्लिस एक विधानसभा है जहाँ से भाजपा के राजकुमार सहयोगी लीड कर रहे हैं। इसके अलावा जो है मणिपुर में देखा जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी के आनंद जो है लीड कर रहे हैं। और जलालपुर से बहुजन समाज पार्टी की डॉक्टर छाया वर्मा लीड कर रही हैं। जलालपुर जौनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, लोकसभा चुनाव कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये उत्तर प्रदेश पूर्व में सुल्तानपुर के आसपास का इलाका है। और वहाँ पर एक जलालपुर एक मेजर विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से वो लीड कर रही हैं। तो कुल मिला करके अब आइए रामपुर पे। तो रामपुर में जो है बीजेपी को जो है हरा दिया है आजम खान की वाइफ ने, और बुरी तरह से हराया है। लखनऊ कैंट में बीजेपी आगे चल रही है, सुरेश चंद्र तिवारी जाने माने नाम हैं, आगे चल रहे हैं। और ये पूरा रिजल्ट आपको 11 सीटों का वहाँ पर है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि राम मंदिर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। राम मंदिर की इमोशंस जितना उत्तर प्रदेश में है वो किसी और राज्य में, किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं जी। उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन हमेशा राम के नाम पर हुआ है, और अभी जो पोलराइजेशन का असर है उत्तर प्रदेश में वो गया नहीं है जी। उससे पहले ही अभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी प्रक्रिया चली, तो ये इसने एक नया जो है काम किया बीजेपी के पक्ष में। ये पूरा प्रक्रिया जो ट्रायल चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन लगातार चला, तो उत्तर प्रदेश उसी माइंडसेट से वोटिंग कर रहा है। क्योंकि मैं ये बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में उसके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है या जहाँ पर जातिगत काम समीकरण काम कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रिलीजन भी है और उसके साथ साथ जाति भी है, वहाँ पर जो है अन्य पार्टियाँ लीड कर रही हैं। लेकिन जहाँ पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर बीजेपी बहुत इजीली जीत रही है। तो 11 सीटों का ये परिणाम। तो ये 11 सीटों का आपने जो है वो अभी तक के जो नतीजे आ रहे हैं उसका पूरा आपने परिणाम जाना, और किस तरह से भाजपा ने इस पर बढ़त बनाई है ये आपने जाना। बहरहाल ये हम जानना चाह रहे हैं कि एक तरह से अगर योगी फैक्टर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बीजेपी की अच्छी खासी से जीत माना जाएगा, या बीजेपी जितना उम्मीद कर रही थी उतना अर्जित नहीं कर पाई? नहीं, उतना तो कतई अर्जित नहीं कर पाई। और जो लोग अभी न्यूज चैनलों पर बैठ करके जो है चरखा चला रहे हैं बहस का, तो उनको थोड़ा सा जाना चाहिए, मुंह धुलना चाहिए और शर्म करनी चाहिए। क्योंकि कल तक ये लोग जिस तरह से एग्जिट पोल चला रहे थे, एग्जिट पोल के लिए सैंपल साइज ही नहीं भारत में जी। 15 लोगों से बात करके आप एग्जिट पोल बना देते हो, हर बार सही हो जाए जरूरी थोड़ी है। मोदी जी के लहर में हर आदमी बता देता था कि हाँ मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा तीर मार लिया पिछले चुनाव का एग्जिट पोल ठीक बता करके, वो दरअसल लहर ही थी। लेकिन जब आपको सही आकलन करना पड़ता है ग्राउंड पर जाकर के, तो आप कर नहीं पाते, तो एग्जिट पोल उनका गलत साबित हो रहा है सब चैनलों का जी। और जो आंकड़े आ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में जो जरूर है अगर नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए, लेकिन वो उम्मीद जो बीजेपी कर रही थी सुबह से ही जो है गाजा बाजा सज गया था, वो उस तरह का रिजल्ट नहीं है। अब आप देखिए कि 109 सीटों पे एनसीपी और कांग्रेस महाराष्ट्र में आगे चल रही है, 24 अन्य हैं, और शिवसेना का यहाँ पर थोड़ा सा दावा और मजबूत होगा, और शिवसेना की डिमांड यहाँ पर बढ़ेगी। जितना ज़्यादा एनडीए वीक होगा उतना ज़्यादा शिवसेना की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि शिवसेना उस एनडीए में करीब 50% स्टेक होल्ड कर रही है सीटों की अगर बिल्कुल उसमें देखा जाए तो। और इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में तो आपको बता दिया, अब आइए आप हरियाणा में जी। तो 40, 30, 10 और 10, यानी कि 40 पे भारतीय जनता पार्टी आ गई है, 30 पे कांग्रेस आ गई है, 10 पे घंटे से लगभग 10 पे जो है चौटाला साहब की पार्टी आ गई है, और 10 पे अन्य आ गए हैं। अब ये लड़ाई 10 में है, 40-40 में मामला टाई हो रहा है। अब शाम को 5 बजने वाले हैं, अब ये रिजल्ट है, इसको हम रुझान नहीं मानेंगे, ये रिजल्ट है। लगभग 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, ये रिजल्ट है। यहाँ पर जोड़ तोड़ की राजनीति होगी, आप देख लीजिए। तो जोड़ तोड़ की राजनीति होगी ऐसा कहना है हमारे जो संपादक हैं आदित्य सिंह उनका। बहरहाल आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि रामपुर सीट की आपने बात करी, हमने अभी देखा था हालिया में आजम खान और उनके जो लड़के हैं जो किस तरह से कार्रवाई करी थी सरकार ने, और कई भूखंड जो हैं वहाँ पर अवैध भूखंड पर ये सरकार ने आरोप लगाया था कि इन्होंने जो है अवैध कब्जा किया है, तो कब्जे की संपत्ति पर भी कार्रवाई हो गई, सरकार की भी कार्रवाई हो गई, लेकिन जनता ने जो है कार्रवाई लगता है बीजेपी पे कर दी। देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि आजम खान साहब को मैं इसलिए करीब से जानता हूँ क्योंकि मैं उसी क्षेत्र में रह करके पत्रकारिता की डिग्री लिया जी। रामपुर मुरादाबाद बगल के पड़ोसी जिले हैं जी। मेरा अक्सर रामपुर होना आना जाना होता था, और मैं जौहर यूनिवर्सिटी बहुत जाता था जो उनकी यूनिवर्सिटी है, मेरे एक दो दोस्त थे वहाँ पर।
मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके प्रति रामपुर की जनता के मन में एक ये भाव है कि इज़ वेरी ऑनेस्ट लीडर, और ये भाव उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रोपोगंडा करके नहीं फैलाया है, ये उन्होंने अपने कर्तव्य से और जो है बिहेव से इसको हासिल किया है। और कोई सरकार, ये मामला गलत है सही, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, जो कुछ आरोप लगाया है, जिस तरह के FIR जो है दर्जनों से ऊपर FIR दर्ज कर दी यूपी पुलिस उनके खिलाफ, वो सही है गलत है न्यायालय तय करेगा, हम और आप नहीं तय कर सकते। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कि FIR के बेसिस पे आप बिल्कुल किसी व्यक्ति को एकदम से डिमीन नहीं कर सकते, उसके लिए समय लगता है, पहली चीज। दूसरा फैक्टर, वहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और आजम खान ना केवल रामपुर में बल्कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मुस्लिम बढ़ चढ़ के वोट करता है, तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा फैक्टर है मुलायम सिंह की उस घटना के बाद जो 90 के दशक में हुआ था, उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम में अगर कोई ऐसा है जो मुस्लिम वोटर को लेके आता है समाजवादी पार्टी में, तो पूरे प्रदेश में वो है आजम खान। मैं ऐसे ऐसे लीडर को जानता हूँ, एक इसौली विधानसभा है, सुल्तानपुर जिला लगता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर अबरार अहमद जिला पंचायत सदस्य हुआ करते थे जो आजम खान को कहीं से जानते थे जी। वहाँ पर दो एक नाम है, एक का नाम है सोनू, एक का नाम है मोनू, चंद्रभद्र सिंह, इंद्रभद्र सिंह जी, सुल्तानपुर के माने जाने नेता हैं, हमेशा चुनाव जीतते रहे हैं वो लोग, अभी 15 साल से लुटिया डूबी हुई है। खैर, वहाँ से वरुण गांधी भी चुनाव लड़े, इस बार मेनका गांधी भी वहीं से चुनाव लड़ी, वहाँ से डॉक्टर संजय सिंह जो है कांग्रेस से भी सांसद चुने गए, बगल में अमेठी है जहाँ पर डॉक्टर संजय सिंह भी रहे, राहुल गांधी वहाँ से सांसद चुनते आए, डॉक्टर संजय सिंह का वहाँ पर घर है, अमिता सिंह डॉक्टर संजय सिंह की बहुत बड़ी वाइफ जो है, कद्दावर नेता है, बहुत बड़ी जो है कांग्रेस नेता है। अब संजय सिंह उस कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, गांधी परिवार का, चूंकि बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली, आपने सही करेक्ट किया, उन्होंने बीजेपी विद फैमिली ज्वाइन कर ली, और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कभी और बात करेंगे। बिल्कुल, तो उस क्षेत्र में आजम खान ने क्या किया कि अबरार अहमद को 2012 वाले चुनाव में प्लांट कर दिया। आजम खान ने सोनू को, मोनू को, क्योंकि एक भाई लड़ता है, दोनों भाई को लड़ना माना जाता है, तो सोनू मोनू को हराया और चुनाव जीते इसौली से। इस बार 2017 के चुनाव में फिर आजम खान ने उनको टिकट दिला दिया और फिर वो चुनाव जीत गए। बीजेपी के इस लहर में जहां पूरा उत्तर प्रदेश का सुपड़ा साफ हो गया, सुल्तानपुर की 5 सीटों में से 4 सीट बीजेपी जीत रही थी, 1 सीट उस 75 साल के बुजुर्ग आदमी ने हरा दी जी। बिल्कुल, अब आजम खान साहब का अपना एक ग्रिप है, आप उसको डिमीन नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको सिद्ध ना कर लें। और वहां पर दो फैक्टर है, एक तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, दूसरा आजम खान के प्रति लोगों को सम्मान है, और आजम खान वहां के उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीडर, मुस्लिम वोटर्स के लिए एक मसीहा भी हैं और एक बड़े चेहरे हैं, कद्दावर नेता है, उनको हरा पाना, उनके नाम पे चुनाव लड़ रहे लोगों को हरा पाना जरा सा मुश्किल है। अभी देखिए मेन चुनाव जो हुआ था 2017 वाला, उसमें से रामपुर के एक विधानसभा से उनके बेटे लड़ रहे थे और वहाँ पर जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे वो चुनाव नहीं हारते, लेकिन उनके बेटे ने उनको हरा दिया। आजम खान साहब लोकसभा में जीत गए, इनकी वाइफ यहाँ जीत गई, तो अभी थोड़ा मुश्किल होगा बीजेपी के लिए, और ये इस पैतरेबाजी से तो रामपुर में मैं डैम श्योर हूँ कि नहीं हरा सकते। बिल्कुल, तो इस पैतरेबाजी से जो है वो रामपुर नहीं निकल पाएगा, बीजेपी को ये सोचना चाहिए। बहरहाल हम अपने दर्शकों को इस समय की बड़ी खबर बताना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी 155 सीटों पर आ चुकी है जी हाँ, और कांग्रेस जो है बढ़त बना चुकी है, कांग्रेस प्लस यानी कि कांग्रेस प्लस NCP 109 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। बीजेपी को घाटा होता हुआ नजर आ रहा है साफ तौर पर, 155 हो गया है आंकड़ा। ये मेहनत नहीं किए लोग, ये लोग मेहनत नहीं किए, नहीं तो रिजल्ट कुछ और होता कांग्रेस का जी। बिल्कुल बिना मेहनत का रिजल्ट है, जनता ने खुद वोट दे दिया जी। इनका कोई इसमें क्रेडिट नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, 155 भी है तो ठीक है, इनफ है, क्योंकि वो जो है उनके पास बहुमत है फिगर, लेकिन जो है फैक्टर धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है, अभी यही 155 बहुत कम हो जाएगा तो बहुमत तक तब भी पहुंच जाएंगे वो जी। कितना कम कर लेंगे आप, 2 सीटें निकाल दीजिए, 3 सीटें निकाल दीजिए। कांग्रेस और NCP को यहां पर जो है वो बढ़त मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है पांडे जी जी, कि यहां पर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अब इसमें जो ट्विस्ट है जी, वो अब ये नहीं रह गया है कि सरकार कौन बना रहा है, ट्विस्ट यहाँ रह गया है कि हु विल लीड फ्रॉम फ्रंट, शिवसेना या भारतीय जनता पार्टी। शिवसेना कह रही है कि मुझे
ढाई साल का 50% हमको पावर में शेयरिंग चाहिए, पावर शेयरिंग। अभी हमने सुना भी था उद्धव ठाकरे साफ तौर पर कह रहे हैं बड़ा भाई छोटा भाई नहीं चलेगा, 50-50 की जो बात हुई थी वो करिए, अमित भाई आ जाइए, अमित भाई के सामने कर लेंगे। ये अब भी उद्धव ठाकरे ने जो है वो प्रमुख है शिवसेना के, वो कह रहे हैं 50-50 ही चलेगा। अभी इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट इसलिए होगा कि वो स्टार्टिंग का ढाई साल कौन लेगा। अब पहली बात तो ये है 50-50 होगा कि नहीं होगा इस पे तय, पहले इस पे लड़ाई है। प्लस दूसरे स्टेज पे लड़ाई पहुंचेगी भाई पहले कौन लीड करेगा। मान लीजिए हम शिवसेना थोड़ा बैकफुट पे हो जाती है, करने देती है लीड, कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य ठाकरे का क्या रोल होगा, क्या वो डिप्टी सीएम रहेंगे? अभी जो है देवेंद्र फडणवीस ने तारीफ भी करी है आदित्य ठाकरे के जीतने पर, उन्हें शुभकामना भी दी है, शिवसेना को भी शुभकामना दी है। नहीं, वो तो बीजेपी को पता है कि कैसे क्या करना है, उस मौके पे बीजेपी से अच्छा कोई डील नहीं कर पाता। तारीफ तो मोदी जी भी कर देंगे कॉन्फ्रेंस करके उनकी, क्योंकि उनको सरकार बनानी है। कांग्रेस की तरह हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठे रहते हैं लोग। बिल्कुल, मैं एक चीज आपसे बता दे रहा हूँ कि लेकिन ये संख्या जो 109 वाली आप दिख रही है टीवी स्क्रीन पे, जिस चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, कांग्रेस प्लस NCP 109 जो जा रही है जी। यहाँ पर NCP का जो फिगर है वो देखिए कि कांग्रेस के आसपास ही है इनका, कांग्रेस से ज्यादा है जी, जी। तो यहाँ पर जो है जितना ज्यादा NCP मजबूत होगी, शिवसेना की दावेदारी बिल्कुल NDA में उतनी मजबूत होगी। मैं दर्शकों को इस समय की ताजा खबर बताना चाह रहा हूँ, मनोहर लाल खट्टर जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है, मनोहर लाल खट्टर का ऐसे समय पर इस तरह का बयान जो है वो सूत्रों के हवाले से आना एक बहुत बड़ी बात जो है नजर आ रही है हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में। नहीं, बीजेपी वहां पर लग गई है जी, बीजेपी ने अपना काम दोपहर के बाद से स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको पता है कि उनकी 4-5-6 सीटें कम पड़ रही हैं, उनको उन्हें मैनेज करना है जी। और बीजेपी किसी भी प्रेशर में, क्योंकि बात अंदर हुई होगी, बीजेपी किसी भी प्रेशर में यहां का राज्य यूनिट नहीं चाह रहा होगा कि हम समझौता करें। हमारे पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का तमगा है और हम जो है सरकार बनाएंगे, अब उसके लिए मैनेजमेंट जारी है। और अब ये कहना कि हम जो है जा रहे हैं राज्यपाल को दावा पेश करने कि हमारे पास, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, हमको मौका दिया जाए पहले सरकार बनाने का, ये सब जानते हैं क्या होती है, ये सब भूमिका है। इससे क्या होता है कि जो निर्दलीय लोग हैं वो जल्दी से पैनिक होकर के फटाक से वहीं जाते हैं जहां सरकार बन रही है। खबर की तरफ रुख करते हैं, हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बीजेपी की जो है केंद्रीय संसदीय कार्यकारिणी बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है दिल्ली में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता जो है वो भाग लेने जा रहे हैं। दिल्ली में कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होने वाली है, हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली हेडक्वार्टर जो है भाजपा का हेडक्वार्टर, वहां पर यह बैठक बहुत जल्द शुरू होगी, जिसमें हरियाणा और महाराष्ट्र में जो आगामी समय में सरकार बनाने को लेकर किस तरह की जो है वो कार्यकारिणी होनी चाहिए उसको लेकर पूरी बैठक जो है कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। हम आप तक ताजा अपडेट पहुंचाते रहेंगे। मैं इसमें कुछ थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी अब राहत की सांस ले रही होगी, क्योंकि 370 के बाद ये डर था कि दिल्ली में थोड़ा सा पोलराइजेशन ना हो जाए जी। आम आदमी पार्टी के पास काम बहुत है, मुद्दे उसके पास बहुत हैं गिनवाने के लिए। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान नहीं होगा जितना आसान वो सोच रहे थे। पहली बात तो ऑलरेडी यहाँ पर टफ है, क्योंकि केजरीवाल ने काम किया अच्छा खासा, और ये फिगर जो बता रहा है कि जनता 370 पे वोट नहीं करेगी, बीजेपी को दिल्ली में भी कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल आप इसको यहाँ बंद करिए आप। बिल्कुल, तो जो जनता है वो जो है प्रमुख मुद्दे जो होते हैं जनता की बुनियादी समस्याओं से जुड़े हुए उसी पर वोट करती है, यह बात भाजपा को जल्द से जल्द मान लेना चाहिए। और इस तरह के जो स्ट्रेटेजी बनाकर एक प्रोपोगेंडा जो जनता के बीच में छोड़ा जाता है उस पर जनता वोट नहीं करती है। तो बहरहाल आप बने रहिए द लोक नीति के साथ, अगले चरण में हम आपको बताएंगे कि किस तरह का रुख जो है वो दोनों राज्यों का और अन्य जगह का जो उपचुनाव से क्या तस्वीर खुलकर सामने आ रही है। आप बने रहिए द लोक नीति के साथ।